काशीपुर के अलीगंज रोड स्थित द हेरिटेज स्कूल ने शुरू की बेनेसे इंडिया के साथ मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें, द हेरिटेज स्कूल ने जापानी संस्था बेनेसे के साथ मिलकर अपने विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत की है, जिससे बच्चों में जापानी पद्धति से सर्वांगीण विकास कर उनको जीवन में सफल होने में सहायता मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बेनेसे इंडिया और कैसे इसके साथ मिलकर द हेरिटेज स्कूल बना है खास। देखिए, हेरिटेज स्कूल हमेशा कोशिश करता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दे सकें। जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में, मार्केट में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई नई चीज़ आई है एजुकेशन में, तो वो हम देने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही बेनेसे इंडिया से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, आप लोगों ने हमें बताया कि इस तरीके से जापानीज गवर्नमेंट, जापानीज स्कूल वर्क कर रहे हैं, और लास्ट 70 ईयर से बेनेसे जो है वहाँ पे जापान की एजुकेशन इंडस्ट्री में है, और लगभग 92% स्कूल इनके पास है। और एक और डेटा है कि जापान जो है आज इंटरनेशनल वर्ल्ड में नंबर वन है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें भी उनकी एजुकेशन जो है नंबर वन है। तो मैं पूरा प्रोग्राम समझा, आपका कॉन्सेप्ट समझा, जो गैप्स रह जाते हैं बच्चों के स्टडीज में अर्ली ईयर्स में, तो आपके जो सिस्टम है, प्लानिंग है, वो उसको दूर करने का एक इनके पास प्रॉपर मेथड है, उसको समझते हुए यहाँ हेरिटेज स्कूल में हमने आपके साथ टाई अप किया है, बेनेसे कंपनी के साथ में, बेनेसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। और आगे हम ये आशा करते हैं कि ये इसका बेनिफिट जैसे जापानीज स्टूडेंट्स को मिल रहा है, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी काशीपुर में रह के इसका फायदा उठा सकते। हम लोग बेनेसे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स 70 ईयर ओल्ड इन जापान, ऑलमोस्ट 92% ऑफ हाई स्कूल्स के साथ वी आर वर्किंग, एंड इन इंडिया इट्स बीन 2 इयर्स नाउ दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू सीक पार्टनरशिप्स। काशीपुर में अभी दिस इज द फर्स्ट पार्टनरशिप दैट वी हैव विद हेरिटेज स्कूल, मिस्टर राहुल जी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, एंड आइडिया इज कि हाउ डू वी हैव अ फेयर असेसमेंट सिस्टम इन द स्कूल, and accordingly we can have right data points where we can try to give constructive feedback to the students, also train teachers accordingly, so that is what we intend to do, right? So it's a long journey, but yeah, thanks to Rahul ji for this support that we had, and we are able to have first partnership in Kashipur, right? Thank you. So hum logon ne ek cheez samjhi hai, Indian education system mein generally kya hota hai ki gaps pe kaam nahi hota hai, gaps pe baat nahi hoti hai. जब एक बच्चा प्रमोट होकर अगली क्लास में जाता है तो कुछ कंपाउंडिंग गैप्स बन जाते हैं इसको बच्चे की लर्निंग में, वो गैप्स आगे चल के जब वो बच्चा 9th 10th में पहुंचता है तो बहुत बड़े गैप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बड़ी क्लासेस में सफ़र करता है। हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली बच्चों की रोट लर्निंग को ख़त्म करने के लिए बनाया हुआ है, जिसमें हम बच्चों के गैप्स को फिल करते हैं एट द वेरी इनिशियल स्टेजेस। सो दिस इज़ हाउ जैसे मैंने से वी आर लाइक वर्किंग फॉर पास्ट 70 ऑड ईयर्स अक्रॉस द ग्लोब। काशीपुर में वी हैव स्टार्टेड पार्टनरशिप विद हेरिटेज स्कूल विच इज़ ओन बाय मिस्टर राहुल अग्रवाल। द आइडिया इज़ कि इन गैप्स को किस तरीके से ब्रिज किया जाए ताकि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को रोट लर्न ना करके बल्कि उनको समझे। सो वी वर्क फॉर ग्रेड 6 to 10 फॉर मैथ साइंस एंड इंग्लिश। माइसेल्फ पारस सेठी, मैं पिछले 5 सालों से द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, और अब द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है बेनेसे जापानीज टेक्निक से जो टीचिंग पद्धति को अपना रही है उससे जुड़ने जा रहा है, ठीक है। इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनका एकेडमिक क्यूरिकुलम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और बच्चे जो है उनकी जो भी दिक्कतें आती है, शॉर्टकमिंग्स है समझने में, जो भी उन्हें दिक्कतें आती है उन्हें दूर करा जाएगा, और साथ ही साथ उनका एक पूरा 2 बार साल में उनका पूरा डाटा क्लियर किया जाएगा कि क्या क्या उनकी शॉर्टकमिंग्स थी और क्या क्या उन्होंने दूर कर ली है और क्या अभी रह गया है दूर करने के लिए, जिसके लिए स्कूल द्वारा रेमेडियल क्लासेस का भी स्टार्ट की जाने वाली है जो उनकी उस शॉर्टकमिंग्स पर काम करेगा।
Hello, I am Prerna. I am from class 9, a student of the Heritage Senior Secondary School. And I think that this is a very innovative idea introduced to us by our school to know and to improve our learning habits, shortcomings, and how we can improve ourselves, our personality. Hello, I'm Sneha Chauhan from the Senior Secondary Heritage Schools from Kashipur. And according to me, this sessions will improve our academic skills by coming our shortcomings in our schooling subjects the same way that Japan has improved its educating skills. Thank you.